नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बसपा के राष्ट्रीय प्रधान कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिन पर साहिब काशीराम भवन जलंधर में बसपा जलंधर शहरी की तरफ से मनाया गया। इस मौके पर गरीब बच्चों को कॉपी पेन बांटे गए और जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस भी दी गई। जलंधर से रणबीर सिंह सोहता की रिपोर्ट। समाज पार्टी पंजाब के जनसंघ श्री हरविंदर कुमार जी साडे बहुजन समाज पार्टी पंजाब के सत्र श्री डॉक्टर सुखबीर सलाहपुर जी साडे बहुजन समाज पार्टी पंजाब के आगू के इंचार्ज साडे पी डी शाम जी साडे बहुजन समाज पार्टी जोन के इंचार्ज रिटायर्ड एक्शन जसवंत राय जी और बाकी सारिया विधानसभा के प्रधान सारे अगर इतने अपनी भैन जी का जन्मदिन मनाने वास्ते पहुंचे हैं तो सारे को इस खुशी के मौके उत्ते लख लख बधाई। जय भी जय भारत। अज असी सारे साथी साडे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूर्व राज्यसभा मैंबर उन्होंने 65वें जन्मदिन के उत्ते अज असी जलंधर शहरी वालों इतने साहब श्री काशीराम भवन विखे एक प्रोग्राम रखा है। तो पहला तो सारे साथियों को बेनती है कि आप उनसे गल्लां करनियां बंद करो। अज इतों एक सीध लैके जा रही है कि जिस तरह साढ़े संघर्ष के लगा दी जो साढ़ा ये जो दमिया पुजिया समाज है इसमें उपर उठाने लिए उन्होंने सारी उम्र समूह में लगे हैं क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। ये देख के 21 साल की उम्र के 21 साल की उम्र लड़की की जवानी की उम्र होती है। 21 साल की उम्र के भैन जी ने अपना घर बार छड़ के इस उम्र के अपना हिस्सा पाने घर निकल गए। उस वापस उन्होंने घर परत के नहीं देखा। उन्होंने कुर्बानी को साडा समाज साडा जो भी दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग उन्होंने कुर्बानियों का मुल नहीं मोड़ सकिया। सो अज तो असं उन्होंने 65वें जन्म दिहाड़े के उत्ते सारे ने असं यह संकल्प लैके जाना है कि जिस तरह साडे भैन जी ने काम में संघर्ष किया असी इस बारी अपने तन मन धन के नाल पूरी तशद्दुद के नाल मेहनत करके असी आने वाले जो 2022 के इलेक्शन हैं उन्होंने विच पंजाब दे विच अपनी सरकार बना सकीए। सो अज इतने जलंधर शहरी वालों जो प्रोग्राम रखा गया जो पार्टी के हिदायतों के मुताबिक कि बिल्कुल साडे ढंग दे नाल असीं प्रोग्राम करना है। सो अज असीं साडे मैं हरदेव कौर शांत बहुजन समाज पार्टी जलंधर कैंट तो 2 बार इलेक्शन लड़िया एम एल ए का और अज भैन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन लिए मैं सारे लख लख बधाई दी हाँ और मैं यही रख रही हाँ कि आने वाला जोड़ा समा है बहुजन समाज पार्टी का हो सारे भैनों वीर अपील कर दी हाँ कि बाबा साहब ने सू वोट का अधिकार लैके दिता और साहब श्री काशीराम जी ने साड़ी पहचान बनाई है और भैन कुमारी मायावती देखो वो भी एक लेडीज देखो सारे दुनिया से मशहूर आ और ज़्यादा कुछ ना कहती है। मैं सारे अपनिया भैनों वीर बच्चों अपील करती हाँ कि आने वाला समा जो समाज पार्टी का होना चाहिए आ इन्ना कुछ कहती हुई मैं रजा लेनी। जय भीम जय भीम जय भारत। मैं विजय यादव प्रधान बहुजन समाज पार्टी जलंधर शहरी
अज असी साडे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान उत्तर प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रहे भैन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन मना रहे हाँ। साहब श्री कांशी राम हाल जो कि जलंधर बहुजन समाज पार्टी पंजाब के दफ्तर के तो सारे ही देशों विदेशों में बसते साढ़े बहुजन समाज के सारे ही साथियों को लख लख बधाई, क्योंकि सानू भैन जी को प्रेरणा लेनी चाहिए है। जिस तरह उन्होंने ता उम्र अपने समाज वास्ते दबे कुचले शोषित वर्ग वास्ते जिस तरह उन्हें संघर्ष किया है, और उन्होंने तो सानू प्रेरणा लैके जो इस बारी असी उन्होंने जो कुरबानियां की गई हैं उन्होंने मुल असी पंजाब दे विच 2022 दे विच असी अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के असी उन्होंने मुल मोड़ांगे। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। मैं जसवंत राय जलंधर तो विशेष तौर पर अज समाज के बहुत ही एक समर्पित लीडर भैन कुमारी मायावती जी जो साढ़े राष्ट्रीय प्रधान ने बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने अपना समुचा जीवन जिहड़ा है वह समाज के प्रति अर्पित करके इस व्यवस्था को परिवर्तन करने लई जिहड़ी लहर जिहड़ी मूवमेंट विशेष तौर पर इस देश के अंदर सदियों तो चली आ रही है, जिदे साढ़े पहला तो साढ़े समर्पित लीडर साहबान साढ़े बहुत ही उगे जो आगू ने उन्होंने बहुत बड़ा योगदान पाया, और मान्यवर साहब कांशी राम जी द्वारा इस मूवमेंट को अगे चलाते हुए जी पार्टी की स्थापना की, अज उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान के तौर पर भैन कुमारी मायावती जी इन लीड कर रहे हैं। सो उन्होंने अज 65वां जन्मदिन इस देश के समुचे वर्ग के मनाया जा रहा, और हर विधानसभा हैडक्वाटर के उत्ते सैलीब्रेट किया जा रहा। उस तरह अज जलंधर के अंदर भी ये वक् वक् थावान पर सैलीब्रेट किया जा रहा। सो अज के इस उन्होंने जन्मदिन में जन कल्याण के तौर के उत्ते लिया गया है, और इस जन कल्याण भी इस मुहिम के अंदर समाज के वो जड़े वर्ग है जिन्हों जरूरत पूरी करनिया बहुत मुश्किल है, उन्हां दे अगे वधन वास्ते उन्हां बच्चों की पढ़ाई लई और उन्हां बच्चों के नाल नाल वो लोग जिन्हां दीआं जरूरतां पूरियां कीतीआं जाणियां उन्हां तक कुछ ना कुछ जिहड़ा है सहयोग का प्रबंध अज दे इस जो जन कल्याण प्रोग्राम के तौर पर मनाए जा रहे जन्मदिन के विच कीता जा रहा। सो मैं एक बार फिर तो समुचे जो समाज के अंदर काम कर रहे लीडर साहबान ने उन्हां दी तरफ तो जिथे वधाई संदेश देना उत्थे ये मीडिया के समुचे साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज की ये जी कवरेज है वो माध्यम तो ये जो प्रोग्राम है वो लोगों तक लैके जा रहे हैं। जय भीम जय भारत जी।